टीम है एसपी सिटी और सीओ सिटी साहब के नेतृत्व में, एसओजी की टीम, थाना सिविल लाइन की टीम, उन्होंने बदमाशों की घेराबंदी की। बदमाशों ने पुलिस पे फायर किया, पुलिस ने अपनी जवाबी फायरिंग में इसमें दो लोग जो बता रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा बिष्ट। इटावा उत्तर प्रदेश में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में पुलिस की गोली से दो बदमाश घायल हो गए। देखिए राजकुमार राजपूत की ये रिपोर्ट। को एक व्यक्ति ने मुकदमा लिखवाया था कि उसने दिल्ली में उबेर जो कार कंपनी है उसके माध्यम से एक व्यक्ति ने कार बुक करवाया था और इन लोगों ने यहाँ इटावा में लाके उसके साथ कार वो छीन के वो फरार हो गए थे। इस केस पे काम करने के लिए मेरी जो टीम है वो मैंने लगवाई थी, करीब तीन टीमें लगातार इस पे काम कर रही थी। सर्वेलांस मैनुअल के माध्यम से लगातार जो कार्य हो रहा था उसी के क्रम में आज सूचना मिली थी कुछ संदिग्ध लोगों के होने की, उसी की घेराबंदी की गई थी। तो ये जो इस क्षेत्र में यहाँ पे सफारी जो गेट है इस रोड पे आज जो पुलिस टीम है और बदमाशों में मुठभेड़ हुआ है। हमारी जो शहर की जो टीम है एसपी सिटी और सीओ सिटी साहब के नेतृत्व में, एसओजी की टीम, थाना सिविल लाइन की टीम, उन्होंने बदमाशों की घेराबंदी की। बदमाशों ने पुलिस पे फायर किया, पुलिस ने अपनी जवाबी फायरिंग में इसमें दो लोग जो बता रहे हैं जिनको जो पकड़ा गया है, जो जिनको गोली भी लगी हुई है, इसमें से एक जो शातिर क्रिमिनल जिसकी पहचान हुई है माधव गुप्ता करके है, इस पे करीब 20 से ज़्यादा मुकदमे ये लूट के छिनैती के हैं और ये कुछ समय पहले जेल से भी छूटा हुआ था। तो ये अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। दूसरा जो अपराधी है जिसको गोली लगी है वो भी मर्डर के मामले में जेल जा चुका है। एक आदमी अभी फरार है, उस पर हमारी धरपकड़ लगातार कॉम्बिंग चल रही है। फिलहाल जनपद इटावा में इन्होंने जो लूट की घटना कारित करने का प्रयास किया था तो पुलिस की मुठभेड़ में ये दोनों जो बदमाश जो इनको गोली लगी है और बाकी जो भी जितने इस तरीके क्रिमिनल पे उन पे हमारी कार्रवाई लगातार चलती रहेगी।